अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन, आई एम आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। फॉर क्लास दिस इज योर लेक्चर विच इज़ फ्रॉम योर ग्रामर बुक फ्रॉम स्टेप बाय स्टेप। ओके, टुडे आवर टॉपिक इज सिंगुलर एंड प्लूरल फ्रॉम टॉपिक नंबर 6। सिंगुलर मीन वाहिद एंड प्लूरल मीन जमा। ठीक है, वाहिद जमा। प्लूरल कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। प्लूरल जो जमा होते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से बनते हैं, बाय एडिंग एन एस एट द एंड। लफ्ज़ के आखिर में एस को ऐड करने से, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रो के साथ जब हम एस ऐड करेंगे तो वो क्रोज हो जाएगा। ब्रदर, ब्रदर्स के साथ एस लगाएंगे, ठीक है, ये रेड ब्रदर्स। नेक्स्ट नंबर 2 स्टेप इज़ बाय एडिंग आई ई एस टू वर्ड्स दैट एंड इन वाई। वो लफ्ज़ जो कि वाई पे एंड, वो वर्ड जो वाई पे एंड होते हैं उनके साथ हमने आई ई एस का चेंज करके, मतलब उसके साथ वाई को कट करके हम लोगों ने आई ई एस लगाएंगे तो उससे उस वर्ड की जो होगा वो चेंज होकर प्लूरल बन जाएगा। उसके लिए एग्जांपल है बेबी, बेबीज़ का हमने वाई कट कर दिया, आई ई एस लगाया, क्या बन गया? बेबीज़। स्टोरी, स्टोरी का वाई को कट करेंगे तो स्टोरी आई ई एस लगाएंगे, स्टोरीज हो जाएगा, चेंज भी हो जाएगा। ठीक है, नंबर 3 स्टेप इज बाय एडिंग ई एस टू वर्ड्स दैट एंड इन एस, सी एच, एस एच एंड एक्स। वो वर्ड जिनका एंड एस पे, सी एच पे, एस एच पे या एक्स पे होता है उनके साथ हमने जस्ट ई एस लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल वॉच, ठीक है, वॉच में सी एच, इसके साथ जस्ट हमने इसके साथ हमने ई एस लगाया, वॉच हो गया। सैश, सैश के साथ सी एस एच पे एंड इसका एंड पे है एस एच आ रहा है तो इसके साथ हम ई एस लगाएंगे तो सैश हो गए, एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर 4 इज़ बाई एडिंग ई एस टू वर्ड्स दैट एंड विद ओ। वो वर्ड जो कि ओ पे जिनका एंड हो, जो कि जिसके वर्ड के लास्ट में ओ आए उसके साथ हमने ई एस लगाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल बफलो, बफलोज, मैंगो, मैंगोज। देर आर सम मोर रूल्स फॉर चेंजिंग सिंगुलर नाउन्स टू प्लूरल नाउन्स। यहाँ पे कुछ और रूल्स हैं, कुछ और असूल हैं जिससे हम सिंगुलर नाउन को, सिंगुलर नाउन को प्लूरल नाउन में चेंज करते हैं। सम वर्ड्स एंडिंग विद ओ टेक ओनली एस एंड नॉट ई एस। कुछ वर्ड्स होते हैं वो ओ पे एंड होते हैं, उनके साथ जस्ट हमने एस लगाना, उसके साथ ई एस नहीं। हम फॉर एग्ज़ाम्पल फोटो, फोटोज, रेडियो, रेडियोस, इसके साथ लास्ट पे ओ आ रहा है तो उसके साथ जस्ट हमने एस का, एस को ऐड करना है। ठीक है, नंबर 6 इज वर्ड्स एंडिंग विद एफ और एफ ई आर चेंज्ड बाय एडिंग वी ई एस। वो वर्ड जिनके लास्ट में एफ या एफ ई आएगा उनके साथ हमने वी ई एस यूज़ करना है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल थीव के लास्ट में एफ है तो वो थीव्स हो जाएगा, एफ चेंज होकर वी एस में। नाइव ई है, एफ ई एस को, एफ ई ए को कट करके हम लोग वी ई एस नाइव्स कर देंगे। ठीक है, नंबर 7 सम वर्ड्स एंडिंग विद एफ मे नॉट टेक अ वी ई एस आफ्टर देम। कुछ वर्ड जिसके लास्ट में एफ होता है उसके साथ बाज़ औक़ात हम क्या करते हैं, वाई ई एस उसके लास्ट में नहीं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिफ, क्लिफ्स इसके लास्ट में एफ है लेकिन हम इनके साथ वी ई एस, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हम इसके साथ ई एस, वी ई एस नहीं लगाएंगे, इसके साथ जस्ट हम एस ऐड करेंगे। क्लिफ, क्लिफ्स, रूफ, रूफ्स। नंबर 8 रूल है सम नाउन्स आर यूज्ड इन देयर प्लूरल फॉर्म ओनली। कुछ नाउन्स ऐसे हैं जिनकी, जो नाउन ऐसे हैं जिनकी प्लूरल फॉर्म, जिनको हम, वो ऑलरेडी प्लूरल में होते हैं इस वजह से हम उनको प्लूरल में चेंज नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल जीन्स, सीजर्स, ठीक है, जीन्स, जीन्स की जो हम पैंट पहनते हैं उनके दो सिरे होते हैं ना, दो होती हैं तो इस वजह से उनको हम जीन्स बोलते हैं। इस वजह से सीजर, सीजर के भी दो सिरे होते हैं, ठीक है, इस वजह से हम उनको उसकी प्लूरल नहीं करेंगे, वो सीजर की प्लूरल सीजर ही रहेगी। ठीक है, सीजर्स। नंबर 9 पे है सम नाउन्स रिमेन इन देयर सिंगुलर फॉर्म ओनली, फॉर्म ओनली। कुछ नाउन्स होते हैं वो अपनी सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं, उनको हम चेंज नहीं कर सकते, वो जिस तरह से सिंगुलर है वो प्लूरल के लिए भी वैसे ही यूज़ होंगे और सिंगुलर के लिए भी वैसे ही यूज़ होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल शिप हेयर, अब शिप है, ठीक है, शिप मीन भेड़, अब उसके जब प्लूरल करेंगे तो भी वो शिप ही रहेगा, ठीक है, वो शिप ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। इसी तरह से हेयर हैं, बाल हैं, उनकी प्लूरल नहीं होती, हेयर को हम हेयर ही बोलते हैं। ठीक है, नंबर 10 पे है देर आर सम वर्ड्स विच डू नॉट फॉलो एनी ऑफ द अबव रूल्स।
कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कुछ जो कि ऊपर जितने भी रूल्स हैं उनको वो फॉलो नहीं करते, उन पे कोई भी रूल अप्लाई नहीं होता. फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, अब मैन में ऊपर मतलब जिस तरह से हमने ई एस यस उसमें से कोई भी नहीं, बल्कि हम उसको चेंज क्या करते हैं, मैन को मैन में चेंज कर देते हैं, वुमेन को वीमेन में, इसमें ए को चेंज हम ई में कर देंगे, और यहाँ पे भी वीमेन वुमेन में हम ए को चेंज करके ई में कर देंगे. मैन मैन, वुमेन वीमेन, चाइल्ड चिल्ड्रन. नंबर 11 पे है सम नाउन्स फ्रॉम प्लूरल बाय एडिंग टू द फर्स्ट वर्ड. कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके फर्स्ट वर्ड के साथ हम लोग चेंज करते हैं, उसमें कुछ वर्ड को ऐड करते हैं या कुछ एक लेटर को ऐड करते हैं, कुछ लेटर्स को ऐड करते हैं जिससे उसकी फॉर्म प्लूरल में चेंज होते हैं. लाइक सन इन लॉ, सन्स इन लॉ. लॉ के साथ हमने ऐसा एडिशन नहीं करना, बल्कि हमने क्या करना है, सन के साथ ये वर्ड स्टार्ट में, सन्स इन लॉ. मदर इन लॉ, मदर इन, मदर्स इन लॉ. फादर इन लॉ, फादर्स इन लॉ. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रूल्स. नाउ वी सॉल्व द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 23. ओके, लेट अस अंडरस्टैंड. राइट प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग सिंगुलर नाउन्स. यहाँ पे कुछ सिंगुलर नाउन है, उनके हम लोगों ने प्लूरल्स लिखनी है. लाइक कप, कप्स, लूफ, लूव्स, लीव, लीव्स, वुल्फ, वुल्फ्स, हाफ, हाफ्स, चीफ, चीफ, dwarf, dwarfs, shrif, shrifs, gulf, gulfs, reef, reefs, buddy, buddies, army, armies, cherry, cherries, lady, ladies, lorry, lorries. ये कुछ सिंगुलर और प्लूरल्स हैं जिन्हें हम लोगों ने पीछे जो हम लोगों ने एक्सरसाइज रूल्स अंडरस्टैंड किए उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनको सॉल्व किया है. नेक्स्ट प्रैक्टिस, इन योर नोटबुक राइट सिंगुलर फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. सिंगुलर फॉलोइंग वर्ड्स के हम लोगों ने सिंगुलर फॉर्म, यहाँ पे कुछ प्लूरल्स हैं उनको हम लोगों ने सिंगुलर फॉर्म में लिखना है. शीव्स, शीव, कव्स, कफ, मैन, मैन, रैबिट्स, रैबिट, ट्रीज, tree, benches, bench, bench, handkerchiefs, handkerchief, socks, sock. Okay. Part B, copy the sentences in your notebook, complete them by writing the correct plural in the blanks. The picture will help you to guess the word. These are three houses. इसे हम क्या बोलेंगे, houses. There are three houses in this lane. इस लेन में, इस कतार में तीन घर हैं. Houses, three घर, तीन घर, houses इसे हम बोलेंगे. We use knives for cutting fruits and vegetables. Knives, these are two, ये दो knife हैं, इस वजह से इसकी plural क्या होगी, knives. Rats, There are lots of rats in our house. हमारे घर में बहुत से चूहे हैं. यहाँ घर में बहुत से चूहे हैं. The farmer had many ducks on his farm. Farmer के अपने farm में बहुत सी बतखें हैं. Ducks है ना, three duck है. इसकी plural क्या हो जाएगी, ducks. Now we solve the page number 24. एक्सटेंड एक्सरसाइज, एक्सटेंड एक्सरसाइज को और नीचे इन दोनों पार्ट्स को आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस रूल्स. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर. ओके, हैव अ नाइस डे. अल्लाह हाफिज़.